देखने में मजा आता है, लेकिन अगर आप क्रिकेट खेलते थे या अगर क्रिकेट खेलते हो तो ज्यादा बेहतर आपको पता है कि ज्यादा मजा किस में आता है, और हम तो कहेंगे क्रिकेट खेलने में है। और क्रिकेट खेलने की जब बात आती है तो पूरे भारत भर में जगह जगह पे क्रिकेट खेला जाता है, और जगह जगह पे बिल्कुल डिफरेंट तरीके से खेला जाता है क्रिकेट। तो किस तरह के क्रिकेट खेले जाते हैं और हमने किस तरह के क्रिकेट खेले हैं, थोड़ा आपसे साझा करते हैं और पता करते हैं कि किस तरह के क्रिकेट आप भी खेल सकते हो। कुछ क्रिकेट तो घर में बैठ के आराम से रूम के अंदर खेल सकते हो। जानना चाहते हो तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। एक त्योहार की तरह ही है क्रिकेट हमारे लिए, इसीलिए हम लोग छोटा क्रिकेट भी खेलते हैं और बड़ा क्रिकेट भी खेलते हैं। जी आपको बड़े क्रिकेट के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ कि छोटा क्रिकेट है क्या। आपने भी जरूर खेला होगा, जब कभी भी आपके पास ज्यादा बड़ी जगह नहीं होती है क्रिकेट खेलने के लिए या फिर ज्यादा लोग नहीं होते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, तो कई सारे पाबंदियां लगा के आप क्रिकेट का मजा लेते हो और उसी को हम कहते हैं छोटा क्रिकेट। और इसमें कुछ पाबंदियां होती है, जैसे कि गेंदबाज ज्यादा तेज गेंदबाजी नहीं कर सकता, और कई बार ऐसा भी होता है कि गेंदबाज अपना जो हाथ है वो सबके ऊपर भी नहीं लेके जा सकता ताकि वो ज्यादा दम ना लगा सके। और साथ ही साथ रहता था कि हम चौके छक्के तो मार सकते थे, लेकिन बड़ा छक्का ज्यादा नहीं मार सकते थे, जिसके चलते बैट्समैन को भी कई बार गेंद लेके आना पड़ता था। और साथ ही साथ कम लोग होने के कारण हम लोगों को बैटिंग जब करते थे तब तो बल्लेबाजी मिलती थी, लेकिन फिर भी अगर हम बल्लेबाजी नहीं कर रहे हैं तो अपने टीम के खिलाफ भी हमको करना पड़ता था फील्डिंग। और इस तरह से हम मजा लेते थे छोटा क्रिकेट का, या फिर आप अभी भी लेते होंगे। लेकिन क्या बाकी क्रिकेट का आपने लिया है मजा जो भारत में खेला जाता है? पता करते हैं उसके बारे में। और अब बात करते हैं अंडर आर्म क्रिकेट की। अंडर आर्म क्रिकेट, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, जो गेंदबाज होता है उसको करनी पड़ती है गेंदबाजी अंडर आर्म, यानी कि हाथ को नीचे रखते हुए, ऊपर करके नहीं, क्योंकि जो जगह होता है वो काफी सही में छोटा है, जिसके चलते आपको बस गेंद को हल्के से हाथों से ही थोड़ा फिरकी के तौर पे गेंद को करते हुए आपको वहां पे बल्लेबाज को आउट करना होता है। और ये तब मजा आता है जब आपके जो खिलाड़ी होते हैं वो काफी कम होते हैं, लेकिन बिल्कुल एग्रेसिव फील्डिंग करते हुए एकदम बल्लेबाज के आसपास लगे होते हैं, ताकि उसको आउट कर सके, सिर्फ कैच से नहीं वन टिप से भी आउट कर सके। और ये जब खेलते हैं क्रिकेट, तब हम नॉर्मली खेलते हैं जब हमारे पास केवल तीन या चार ही खिलाड़ी होते हैं। तो आपने क्या इस खेल का मजा लिया है या फिर नहीं, बता सकते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर। चलिए दोस्तों आपको सुनाता हूँ एक कहानी। बहुत पहले कुछ खेल प्रेमियों में थोड़ा सा नोक झोंक हो जाया करता था, और इस बात को लेकर लड़ाई भी हो जाती थी कि कौन सा बेहतर खेल है, क्रिकेट या फिर फुटबॉल। लेकिन जब ये लड़ाई थोड़ा ज्यादा चला तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम एक उपाय लेके आए, और इसीलिए उन्होंने इजाद किया लेग क्रिकेट का। लेग क्रिकेट यानी कि एक ऐसा क्रिकेट जिसमें आप बल्ले से नहीं अपने टांगों से खेलते हैं क्रिकेट, और इसमें गेंद जो होता है यूज नॉर्मली वो होता है बड़ा, जैसे कि फुटबॉल, क्योंकि छोटी गेंद को मारना आसान नहीं होता है ना, और ना ही गेंदबाज यहाँ पे गेंद को टिप्पा कराता है, क्योंकि अगर टिप्पा कराएगा गेंद को तो सोचिए बाउंसर को वो टांगों से कैसे खेल पाएगा। इसीलिए गेंदबाज को गेंद यहाँ पे कराना पड़ता था गेंद को लुढ़काकर, और गेंद अगर जाती थी घुटने से ऊपर तो उसको करार दिया जाता था नो बॉल, और वहीं पे बल्लेबाज के पास ये पूरा छूट रहता था कि वो दोनों ही टांगों से खेल सके उस गेंद को। और इस तरह से हम मजा लेते थे लेग क्रिकेट का। और अगर आपने अभी तक नहीं लिया तो अब आपके पास मौका है, जरूर लीजिए इस क्रिकेट का मजा। क्रिकेट का खेल खेलने में तो बाहर ही मजा आता है, लेकिन कुछ लोगों को अपना हाथ और पांव हिलाने में आती है काफी ज्यादा मुश्किलाहट, और उन्हीं के लिए बना है ये क्रिकेट जिनको वो आराम से घर में बैठे बैठे खेल सकते हैं। लेकिन हाथ तो यहाँ पे भी हिलाना पड़ेगा, क्योंकि इस क्रिकेट को कहा जाता है हैंड क्रिकेट, और इस क्रिकेट का रूल्स ये कहता है कि दोनों ही बल्लेबाज और गेंदबाज को एक साथ खोलनी पड़ती है उंगलियां। और जैसे कि अगर आप बल्लेबाजी कर रहे हो तो आपको जितने रन बनाने हैं आपने उतने ही उंगलियां खोलनी है, जैसे कि दो रन के लिए जितनी मर्जी उंगलियां आप खोलेंगे उतना ही आपका रन बनता जाएगा। जैसे कि अगर आप बनाना चाहते हो पांच रन, जो कि आप बना सकते हो हैंड क्रिकेट में अपने पांच उंगलियां खोल के, तो वहीं पे अंगूठे के साथ आप बना सकते हो छह रन। वहां पे गेंदबाज जो रहेगा उसकी केवल एक ही कोशिश रहेगी, और वो ये है कि जितनी उंगलियां खोलता है बल्लेबाज, जैसे कि दो, उतनी ही उंगलियां वो भी खोले।
अगर उसने ऐसा कर दिया तो बल्लेबाज हो जाएगा आउट, और यहाँ पे जो बल्लेबाज है वो डॉट खेलते हुए भी आउट हो सकता है, क्योंकि अगर दोनों ही बल्लेबाज और गेंदबाज ने एक साथ खेल दिया डॉट तो वो हो जाएंगे आउट। तो ये कुछ रूल्स है हैंड क्रिकेट को, जिसको आप बिल्कुल घर में खेल सकते हो और मजा उठा सकते हो घर बैठे बैठे। इस क्रिकेट से आप चीटिंग कर सकते हो, पढ़ाई की चीटिंग, क्योंकि इसको आप पढ़ते पढ़ते हुए भी खेल सकते हो। लेकिन घर में ये मत बता देना कि आपने ये क्रिकेट हमारे इस वीडियो से सीखा है, नहीं तो हमारे लिए तो मुश्किल ही हो जाएगा। और इस क्रिकेट को कहते हैं हम बुक क्रिकेट, यानी कि आपको इसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा अपना बुक, अपना किताब। और सबसे पहले इस क्रिकेट को खेलने के लिए आपको करना पड़ेगा क्या, बुक को बंद। लेकिन बुक खोलने से पहले आपको ये कहना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा कि आप चुन रहे हैं ऑड या फिर इवन। और जब आप बुक खोलेंगे तो जो भी पेज नंबर रहेगा उसका आखिरी डिजिट का जो भी नंबर रहेगा वो आपका हो जाएगा रन। जैसे कि अगर आपने चूज किया है वहां पे इवन तो आपका 8 रन भी हो सकता है, तो वहीं पे 7 रन हो सकता है अगर आपने चूज किया है ऑड। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 7-8 रन तो होते नहीं क्रिकेट में, इसीलिए ये रन हम नहीं मानेंगे, तो आप इस रूल को इस तरह से खेल सकते हो कि अगर आप चूज करते हो ऑड और खुलता है 7 नंबर तो वो रहेगा डॉट, उसी तरह से इवन चूज करने पर 8 नंबर रहेगा डॉट। लेकिन अगर आपने इवन चूज किया है और आपने खोल दिया है लास्ट डिजिट 0 और ऑड चूज करते हुए आपने खोल दिया है लास्ट डिजिट 9, तो आप हो जाओगे आउट। और इस तरह से दूसरे बल्लेबाज या फिर दूसरे खेमे की आ जाएगी बारी, तो इस तरह से जो ज्यादा रन बनाएगा वो जीत जाएगा इस मैच को। और इस तरह से आप बता सकते हैं हमको कि कौन से मैच को आपने जीता है या कौन सी क्रिकेट को आप खेलने वाले हो जो आपने देखा है इस वीडियो में। आपके कमेंट का जरूर रहेगा इंतजार, लेकिन इंतजार हम आपको ज्यादा नहीं कराएंगे अगला वीडियो लाने के लिए भी। इसीलिए हमारे चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को आप कर दीजिएगा लाइक, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं गैंग चाहता हूं और लेता हूं आपसे विदा, जल्द ही मिलता हूं, गुड बाय।